हेलो एवरीवन, दिस इज मुरलीधर। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज आपके लिए फिर से एक और आरवीएल की वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूँ। जैसे गाइज, मैं आपको ना आरवीएल मेरे हाथ में कार्ड दिख रहा हूँ आपको, और आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरी तरह से। आज मैं पूरी तरह से खोल कर रख दूंगा जो भी है आज इसके बारे में। जैसे कि मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिस प्लेलिस्ट में आरवीएल के जितने कार्डों की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने जो है अपने चैनल के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जो कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया था, आप जो है एटीएम से या पेटीएम से या फ्यूल चार्ज, सारा कुछ आपको करके बताया था किस तरीका से ये चार्जेस काटते हैं पेटीएम से या एटीएम से या कुछ लेते हैं। तो गाइस, मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर या कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे यूज कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज के बारे में पहले नॉलेज नहीं लेता हूँ, पहले मैं नॉलेज लेता हूँ अच्छी तरह से, तब मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है जो मैं कस्टमर केयर से बात करके, जो जहाँ से मैं जानकारी लेकर के, मैं सर्च करके, मैं जो जानकारी इकट्ठी करता हूँ, वो शायद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताने के लिए मुझे इतनी सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। गाइस, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने लास्ट टाइम में जो एटीएम से जो पैसा निकाला था ना, जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे जो है पेटीएम से फ्यूल चार्ज वगैरह सब कुछ आपको बताई दिया था, तो मेरा जो है टोटल बिल 14,000 कुछ का आया था। उसमें आरबीएल ने प्रॉपर तरीका से मेरे से सारे चार्जेस लगाने के बाद में, सारे चार्जेस जो भी उनके चार्जेस होते हैं, जो भी उनका चार्जेस होता है, सब कुछ लगाने के बाद में मेरे से 14,000 रुपए लिए थे। मैंने वो दिए भी, प्रॉपर सारा बिल मैंने जो है क्लियर कर दिया है। उसके बाद में मेरे ऊपर फिर दोबारा से और चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसी कैश के लिए, जो मैंने एटीएम से निकाला था ना, उसी कैश विड्रॉल के लिए और चार्जेस लगाए जा रहे हैं। मैंने कस्टमर केयर से बात की, बात करने के बाद में उन्होंने बोला, जी आपने जो एटीएम से पैसा निकाला था उस चार्जेस का नाम होने वाला है फाइनेंस चार्ज। तो जो फाइनेंस चार्ज होता है गाइस, ये आपको तब लगाया जाता है जब आप जो है एटीएम से पैसा ले लेते हो। वो तब तक खत्म नहीं होता है फाइनेंस चार्ज इनका, जब तक आप आउटस्टैंडिंग बिल क्लियर न कर दो उनका। तो याद रखो, अगर आप एटीएम से पैसा निकालने वाले हो तो मेरी तरह आप भी मत फंस जाना। मैं वैसे ही दुखी हो गया हूँ इस आरबीएल से। मैं आपको अपनी दास्तान बता रहा हूँ, अपनी जो मेरे साथ बीत रही है। क्रेडिट कार्ड होने को तो मेरे पास में और भी है, एसबीआई का है, एचडीएफसी के है, एसबीआई के दो है मेरे पास में, और मैं आरबीएल का भी लिया था। तो मैं आरबीएल की जो भी वीडियो है, जो भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, और मुझे किसी क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। वैसे हर किसी बैंक की अपनी अपनी टर्म कंडीशन होती है। जब मैंने सारा पैसा उनको दे दिया है, जो कैश पेमेंट किया था एटीएम से, मैं विड्रॉल किया था, सारा पैसा दे दिया है, फिर भी मेरे पास में फाइनेंस चार्ज के तौर पर मेरे से पैसे लिए जा रहे हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को विद प्रूफ दिखाता हूँ। आपने कभी ये नहीं देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दिखाता हूँ। हमेशा मैं आप सभी को प्रूफ दिखाता हूँ, हमेशा मैं आप सब लोगों की कमेंट को रिप्लाई भी करता हूँ। आप याद रखना इस चीज का, आपको हर कोई यूट्यूबर कमेंट का रिप्लाई इतनी जल्दी से नहीं करता है जितनी जल्दी से मैं फास्ट करता हूँ। आपने शायद देखा भी होगा, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने अच्छी तरह देखा होगा मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो हम आपकी कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे, जब आप करोगे तुरंत हम रिप्लाई कर देते हैं। हम किसी का वेट नहीं कराते हैं, किसी को इंतजार नहीं कराते हैं किसी चीज का। हम जो है, तो हमने जो कस्टमर केयर से बात की थी, और बात करने के बाद में उन्होंने हमको ये बता दिया कि आपने जो एटीएम से जो पैसा निकाला था जी 1,000 रुपए, हमने आपसे बार बार ये लेते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा जब तक आप जो है आउटस्टैंडिंग बिल को क्लियर नहीं कर दोगे। तो आप एक बार देख लेना, मैं आपके लिए स्पेशली मैंने जितने बिल है पहले मैं आपको कागज पर दिखाता था मैं, बट अब क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर तरीका से बिल दिखाऊंगा कि मेरे जो बिल है किस तरीका से है, और इस बिल के अंदर जो है क्या क्या है। फर्स्ट बिल से लेके मेरे फर्स्ट 8 महीने हो गए मेरे को, फर्स्ट बिल से लेके लास्ट बिल तक दिखाऊंगा। और इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं इस वीडियो के दो पार्ट करूंगा। अगर एक पार्ट करूंगा तो 1 घंटे की हो जाएगी कम से कम, बट आपको नॉलेज के मामले में पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। मैंने हर वीडियो में आपको बारीकी से ही बताया है, बट आपको इस वीडियो में और बारीकी से बताने वाला हूँ। मैं आपको भाई फर्स्ट वीडियो बताऊंगा मेरे पास में कौन कौन से बिल आए, क्या क्या मेरे पास सबूत है, किस तरीका से मेरे से काटा गया पैसा,
क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं, एंड सेकंड वीडियो इसी की सेकंड पार्ट आएगा मेरा, उस पार्ट में आपको कस्टमर केयर से क्या क्या बात की थी मैंने, किस तरीका से उसने मेरे को बताया था आपके ऊपर चार्ज लगेंगे लगेंगे तब तक आप आउटस्टैंडिंग बिल को क्लियर नहीं कर दोगे। तो चलते हैं गाइस वीडियो की ओर, फर्स्ट पार्ट की ओर, और जो है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका भी आपको ध्यान रखना है। उस पार्ट में आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा, कस्टमर केयर से कैसे बात करते हैं और साथ में कस्टमर केयर से कैसे बहसी भी करते हैं। चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। गाइस हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपने आठों के आठों बिल दिखाते हैं, किस तरीके से हमारे आठों के आठ बिल हैं, क्या क्या हमारे ऊपर चार्जेस लगाए गए थे इस आठ बिलों में। टोटल आपको वन से लेके एट तक जो भी बिल हैं सारे दिखाएंगे। ये हमारी पार्ट वन की वीडियो है और आपको इसी के रिलेटेड, इसी से जुड़ी हुई पार्ट टू की वीडियो आएगी, वो आप तब समझ पाओगे जब आप जो है पार्ट वन की वीडियो समझ लोगे। तो पार्ट वन का देखो लो, उसके बाद सारा कुछ बाकी का इसका निचोड़ है वो पार्ट टू में देखने को मिल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। मैं जो है बिल नंबर फर्स्ट से बिल नंबर एट तक जाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके आप देखते रहना। यहाँ पर जो है सबसे पहले मेरा आ जाता है फर्स्ट बिल, जो कि मेरे को 18/11/2022 को आता है फर्स्ट बिल, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है एक अमेजोन से, जैसे मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड आया हुआ था तो मैंने एक अमेजोन से एक फोन परचेज किया हुआ था 18,999, जिस फोन का नाम था OnePlus Nord CE 2 Lite, जो कि मेरे चैनल पे उसकी अनबॉक्सिंग है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस, जो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो हमारे को 199 रुपये देनी पड़ती है। ये आपको जो चार्जेस वगैरह लगते हैं ना आपके जो पार्टनर परसेंट या जो है आपके और भी टैक्स GST वगैरह, उससे अलग हटके होता है, एक प्रोसेसिंग फीस होती है ये, जैसे हम जो है नॉर्मल तरीका से फाइल चार्ज भी बोलते हैं। तो उसके बाद में हमारे को यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मेंबरशिप फीस, तो मेंबरशिप फीस को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1499 रुपये, जो कि आप एनुअली फीस बोलते हो, वो यही मेंबरशिप फीस होती है जो 1499 आपको यहाँ पर मेरे बिल में देखने को मिल रही है। बट क्या है ना, मैंने इसको वापस करा लिया था, वापस रिटर्न करा लिया था, मैंने 1 रुपया नहीं दिया है एनुअली फीस का, वो कैसे पता लगेगा आपको आगे बिल में दिखाऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पर मेरे को 1499 रुपये, ये देखते रहना मैं बता रहा हूँ पहले, बाद में मत भूल जाना। तो उसके बाद में बाकी का मेरे यहाँ पे EMI बनी थी 1714.81 रुपये। और उसके बाद में यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, टोटल पे जो भी आपको देखने को मिलेगा 199 रुपये, या हमारे जो है यहाँ पर 1499 रुपये जो हमारी एनुअल फीस लगी थी, सभी के ऊपर हमारे को यहाँ पर टैक्सेस देना पड़ता है, जो कि 348.30 रुपये टैक्सेस है। टोटल लगा करके हमारे को यहाँ पर जो है 3761.11 रुपये पे करना पड़ा था। अब चलते हैं जो नेक्स्ट बिल पर, जो हमारा होने वाला है 18/12/2022 का। तो इसमें क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने पिछले महीने बिल पेमेंट किया था वो 3761 रुपये था, वो यहाँ पर हमारे को शो हो जाता है नेक्स्ट मंथ में कि आपने जो है पिछले महीने ये बिल पेमेंट कर दिया है। उसके साथ में यहाँ पर आपको जो है EMI देखने को मिल रही है, जो मैंने फोन से जो EMI भरी थी वो है, बाकी का इसका जो EMI के ऊपर जो टैक्सेस लगाया वो ये है, सारा कुछ टैक्स लगा के ये कम्प्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर जो है 1754.34 रुपये। एक चीज याद रखना, मेरा जो EMI है रियलिटी में फोन का, वो टैक्स से लगाने के बाद में 1754.34 रुपये ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ नोक झोंक देखने को मिलेगी आगे चल के। अब चलते हैं हम जो अपने तीसरे बिल पर, जो कि होने वाला है 18 जनवरी 2023 का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है पिछले महीने में पेमेंट किया था 1755 रुपये, और 2 रुपये यहाँ पे, 2 रुपये ये दोनों आपको 2-2 रुपये जो दिख रहे हैं, ये मैंने अपने फोन पे के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड को एड किया था। उसके लिए क्या होता है, आपको 2 रुपये का चार्ज लगता है, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है फोन पे की तरफ से, वो आपको लिंक करने के लिए होता है आपके क्रेडिट कार्ड को। जब आप क्रेडिट कार्ड को फोन पे से लिंक करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो कनेक्ट करने की विधि में 2 रुपये लेता है, फिर वो वापस भी कर देता है आपके वही सेव अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको 2 रुपये डेबिट एंड 2 रुपये क्रेडिट देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ में आपको यहाँ पर जो है एनुअली फीस रिवर्सल, देखिए मैंने बताया था ना आपको 1499 रुपये मेरी थी ना, तो यहाँ पर मेरी रिवर्सल हो चुकी है। ये अब कितनी हो गई है यहाँ पर, अब ये जो हमारी एनुअल फीस रिवर्सल के बदले हमारे को मेंबरशिप फीस दे दी, यहाँ पर जो है मेंबरशिप फीस कितनी यहाँ पर आप देख सकते हो 999 रुपये। तो यहाँ पर जो है टैक्स, जो इसके ऊपर 1499 के ऊपर जो टैक्स लगा था वो भी यहाँ पर माइनस कर दिया। तो सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे को 1160.15 रुपये भरने पड़े थे यहाँ पर। अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट बिल के लिए, ये हमारा आएगा 18 फरवरी 2023 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने लास्ट वाला बिल पेमेंट किया था 1160.15 रुपये, अब यहाँ पर हमारे को
एनुअली फीस रिवर्सल ये भी मिल गया है, रिवर्सल हो गया। ये देखो 999 रुपए। बहुत बंदे कहते हैं ना कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपने बिल दिखा रहा हूँ, जो मैंने पेमेंट किया वो भी आपको दिखा रहा हूँ। इससे बड़ा सबूत तो मेरे पास कोई नहीं हो सकता गाइस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 999 रुपए, और उसी के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईएमआई स्टेटमेंट, यहाँ पर 1714 रुपए 81 पैसे। यहाँ पर इसका जो जीएसटी देखने को बना था यहाँ पर 32 रुपए 58 पैसे, इसका टोटल निकल के आता है हमारे को 748 रुपए 39 पैसे, क्योंकि यहाँ पर 999 रुपए ये भी माइनस हुए थे इस 1714 रुपए में से, तो इसीलिए हमारे को यहाँ पर बेनिफिट हुआ था, मतलब प्लस माइनस इसमें ऐसे होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें बिल पर, जो कि होने वाला है 18 मार्च 2023 का बिल है ये। इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा, मैंने लास्ट बिल में यहाँ पे पेमेंट कर दिया था 748 रुपए 39 पैसे, और मैं यहाँ पर जो है पेमेंट मैंने जो है क्रेडिट कार्ड हमेशा यूपीआई से किया है, आप यहाँ पे देखते रहना यूपीआई ये भी। और उसके साथ में मेरी जो नेक्स्ट ईएमआई आ चुकी है, और यहाँ पर जो टैक्सेस के 29 रुपए 16 पैसे देखने को मिलते हैं। एक चीज याद रखो गाइस, जब मेरी यहाँ पर 1714 रुपए 81 पैसा है, ईएमआई फिक्स है मेरी, ईएमआई में कोई गड़बड़ नहीं है कहीं से, सेम है। बट उसके बाद में ये जो टैक्सेस लगाते हैं, किसी 29 रुपए 16 पैसे लगा दिया, अगर हम इसके पिछले वाले बिल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 32 रुपए 58 पैसे लगा दिया, ऐसे मतलब इनका समझ में नहीं आता है, ये कुछ भी अपनी मर्जी से लगा देते हैं, जबकि ईएमआई सेम है। आप यहाँ पे देख लीजिए जो पिछले वाला बिल था ये वाला, इसमें देख लीजिए मेरी ओनली ईएमआई थी 1714 रुपए 81 पैसा, उसके ऊपर जीएसटी क्या लगाया हुआ है, उसके अगले वाले बिल में यहाँ पर जीएसटी क्या देखने को मिल रहा है। गाइस हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट भरना पड़ा था 1743 रुपए 97 पैसे, यहाँ पर हमको बिल पेमेंट करना पड़ा था। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिल की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा 18/4/2023 का। तो ये जो बिल है आपको इसमें देखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको इस बिल में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है मेरे पास में टोटल बिल आया हुआ था 2252 रुपए 32 पैसे का। मैंने जो है पिछले बिल की जो पेमेंट की थी आपको यहाँ वो देखने को मिल जाएगी 1744 रुपए। बाकी का ये जो आपको 511 रुपए ऊपर की तरफ आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये एक जो है हमने परचेज किया था कुछ और आइटम उसके लिए ये, और बाकी का आपको 2-2 रुपए और देखने को मिलते हैं। ये भी हमारे जो है पेटीएम या फोन पे से हमने जब भी इसको लिंक किया है तो लिंक का था डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर हमारे को जो है यहाँ पर आपको ये बॉक्स देखने को मिलेगा, ये वाले बॉक्स में स्पेशली यहाँ पर देखने को मिला है एलिजिबल फोर बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल गए यहाँ पर हमको। और उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे साइड देखोगे तो हमारी वो सेम ईएमआई है 1714 रुपए 81 पैसा, और इसका जो टैक्सेस आया है 25 रुपए 74 पैसे। तो हम जो है अब चलते हैं नेक्स्ट बिल की तरफ। ये जो नेक्स्ट बिल आने वाला है ये सबसे खतरनाक आने वाला है, मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ इसके अंदर, मैं कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा, क्लियर दिखाऊंगा। नेक्स्ट बिल जो हमारा आ चुका है यहाँ पर, ये देखो इतना सारा लंबा चिट्ठा है बिल का, थोड़ा सा टाइम लूंगा। वैसे मैंने इस बिल के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी अपने चैनल पर, पेटीएम से एटीएम से और फ्यूल चार्ज पेट्रोल पंप से क्या चार्जेस लगते हैं, ये उसी बिल का वीडियो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने उसमें बताया था कि मैं बर्बाद हो गया, आबाद हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ मैंने आपको बता दिया था इसी बिल में। आपको हमारा जो है यहाँ पर सातवां बिल देखने को मिलता है, ये आपको 18/5/2023 पे देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो स्पेशल तरीका से मेरे को यहाँ पर जो है 14,337 रुपए 39 पैसे मेरे को यहाँ पर पे करने थे। वो कैसे करने थे वो आपको थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, आपको इस वीडियो में भी मैं यहाँ पर क्लियर बता दूंगा। अगर आपको और अच्छी तरह से जानना है तो आप जो है उस वाली वीडियो को देख लेना, इसका सारा कुछ करके निचोड़ करके बताया था मैंने। इसमें फिर भी आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप से फ्यूल भराया था तो उसका ये जो चार्जेस है मेरे को डिस्काउंट हुआ था, यहाँ पे मेरा रिवर्सल आया हुआ था 5 रुपए 6 पैसे। उसके साथ में मैंने यहाँ पर जो है बुद्धा मार्ग, आप याद रखिए बुद्धा मार्ग दिल्ली इंडिया, यहाँ से मैंने जो है 1000 रुपए एटीएम से पेमेंट की थी, मतलब कैश विड्रॉल किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, वैसे मुझे जरूरत नहीं थी बट आप लोगों को दिखाने के लिए। और सारी बहस जो होने वाली है आज इसी पेमेंट पे होने वाली है, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ स्पेशल तरीका से। गाइस आज बहस होने वाली है, आपको ये स्पेशली ये बताने वाला हूँ अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप आगे देखते रहिए वीडियो में, आपको सारा कुछ खोल के रखने वाला हूँ आज। यहाँ पे आप देख लेना 1000 रुपए मैंने जो है एटीएम से विड्रॉल किया था, 500 रुपए यहाँ पर जो है कैश एडवांस फीस मेरे को लग गई थी यहाँ पर 500 रुपए, ये मेरे को
₹500 देने पड़े थे। इसका क्या सिस्टम होता है वो वीडियो में जाके देख लेना, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरे को ₹500। इसका और भी सिस्टम होता है, इसका चार्जेस अलग भी होता है और ₹500 भी होते हैं, वो मैंने बता दिया, वो आप जाके चेकआउट कर लेना वीडियो में। यहाँ पर मैंने एक पेट्रोल पंप से और फ्यूल भराया था ओनली ₹500 का, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, सारा कुछ बताया, आप जाके देख लेना। खाली मैंने ₹500 का फ्यूल भराया था, बट मेरे को ₹505 पेमेंट करनी पड़ी थी। यहाँ पर जो ₹500 पेट्रोल के लिए ₹505 मतलब ₹500 एक्स्ट्रा लगे थे मेरे इस आरवीएल क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पर मैंने जो है ₹135 का और कुछ परचेज भी किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैंने पेटीएम के थ्रू, पेटीएम नोएडा यूटीटी के थ्रू मैंने जो है ₹10,000 निकाले थे, ओनली 10,000 पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेटीएम से अपने अकाउंट में ₹10,000 लिए थे ओनली, ₹210। तो इसमें से पेटीएम ने रख लिए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, ये देखना ₹210। अगर आपको जरूरत है, आपको इमरजेंसी चाहिए तो बहुत अच्छी चीज भी है ये, ऐसी बात नहीं है, बट आपको जरूरत नहीं है और आप वैसे निकाल रहे हो शौक के लिए तो कोई फायदा नहीं है भाई। ₹210 तो आपके जो है पेटीएम रख लेगा, बाकी का यहाँ पर जो है ₹102 आपको आरबीएल लगा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है रेंटल फीस डेबिट देखने को मिल जाएगी ₹102। ये मेरे ₹10,210 के ऊपर ही चार्ज लगा है बैंक का, और ये वाला आपको जो है पेटीएम का चार्ज यहाँ पर देखने को मिल जाता है ₹210। गाइस ये देख लेना आप, जो है आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुलने वाला हूँ, आगे देखते रहना, आंखें खुलेंगी आपकी। फाइनेंशियल चार्जेस, यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कितने रुपए, ₹39 फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। मैंने कस्टमर केयर से बात की थी, उन्होंने बताया था आपने जो कैश पेमेंट किया था एटीएम से, जो कैश विड्रॉल किया था ₹500 तो आपको साथ में लगे ही लगे, उसके साथ में आपको जो है फाइनेंशियल चार्जेस भी ₹39 देने पड़ेंगे, वो भी हमने दिए। बाकी इन दोनों पेमेंटों के ऊपर और जो ₹122 के ऊपर और मेरे जो है ₹70,114.81 के ऊपर, इन तीनों चारों के ऊपर भी मेरे को जो है ₹137 जीएसटी भी देना पड़ा, ये इसका जीएसटी भी है। तो टोटल कुछ इस तरीका से करके मैंने यहाँ पर जो है ₹14,337.39 पेड कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ मैं कि ये फाइनेंस चार्ज क्यों लगाए गए मेरे ऊपर, जबकि मैंने जो है इस बिल में सारा कुछ क्लियर कर दिया मैंने। आप देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीका से। मैं चलता हूँ नेक्स्ट बिल पर जो होने वाला है हमारा, जो है 18/6/2022 का जो लेटेस्ट बिल आया है मेरे पास में अभी का, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ₹4.99 मेरे यहाँ पर पेट्रोल सरचार्ज मेरा रिटर्न आ चुका है, बहुत अच्छी बात है बैंक का, हमारे को रिटर्न कर दिया यहाँ पर, उसका हमें कोई शिकायत नहीं है, ना मैंने कभी शिकायत की है उसकी, बेसिकली मैंने जो शिकायत की जाता है इस टाइम पर वो इसलिए की है कि मेरे को यहाँ पर जो है फाइनेंस चार्जेस क्यों देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा में, क्यों भाई, जब मैंने जो है पिछले महीने में सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर किया था आपका हिसाब, मैंने आपके कैश एडवांस फीस भी दी थी, आपकी जीएसटी भी दी थी और आपके जो है फाइनेंशियल चार्जेस भी यहाँ पर जो ₹39 मैंने पे किए थे, मैं सारा कुछ पे कर दिया, इस बिल का काम यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। बट मेरे को अगले महीने फिर मेरे को यहाँ पर जो है फाइनेंशियल चार्जेस ₹34 और देने पड़ेंगे, जबकि इनके उसके बाद में हमारे को जो टोटल यहाँ पर जो है ₹17,114 कैश पैसा, ये हमारी ईएमआई चल रही है, उसके साथ में ₹24.66 ये हमारे जीएसटी जो बनी है। तो ये था हमारा बिल, हमारी जो लड़ाई है वो ये है वैसा, हमारे को ₹34 यहाँ पर क्यों पे करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल चार्जेस के, जैसे इसमें इन्होंने ₹34 दिए हैं, पिछले वाले बिल में इन्होंने जो है ₹39 दिए थे। तो कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पर जो है ये चार्जेस देखने को मिलते हैं इनकी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो। तो मैंने गाइस आपको सारा कुछ यहाँ पर खोल के बता दिया है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं है, मैंने अपने आठों के आठों बिल प्रॉपर तरीके से दिखा दिए हैं। अगर आपके फिर भी अगर कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो आप हमको बेझिझक आप हमको कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो अपनी कोई राय, अगर आपके पास में और बेहतर कोई सुझाव हो हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना और हम आपका हर कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। तो गाइस इसका जो है सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा, मैंने कस्टमर केयर से स्पेशली इसी के बारे में पूछा है कि ये हमारे जो है फाइनेंस चार्जेस क्यों लगाया जा रहा है, जबकि मैंने जो है पिछले महीने में यहाँ पर क्लियर कर दिया था, तो पता नहीं क्यों गाइस। चलो गाइस जैसे भी है आप जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है, मैंने बहुत झगड़ा भी हूँ, लड़ाई भी हुई है मेरे आरबीएल वालों से,
तो किस तरीका से क्या होता है, किस तरीका से होता है सारा कुछ मैंने नेक्स्ट पार्ट में, जो आने वाला अगला पार्ट टू है इसी का, उसमें मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। गाइस आपने देखा, हमने आपको सारा कुछ प्रॉपर तरीका से सारा कुछ बता दिया है इस वीडियो में। हालांकि मेरा काम किसी भी बैंक या किसी भी चीज का कोई ये नहीं है का किसी के बारे में मैं जो है गलत आपको इन्फॉर्मेशन दूं, बट जो सही है मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ अपने चैनल पर। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? गाइस उम्मीद है आपसे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।